नागरिकता संशोधन एक्ट की प्रक्रिया पर तुरंत रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। साथ ही इस मामले को संवैधानिक पीठ के हवाले कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में 144 याचिकाओं पर सुनवाई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जवाब देने के लिए 4 हफ्ते का वक्त दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए असम, पूर्वोत्तर, उत्तर प्रदेश से जुड़ी याचिकाओं के लिए अलग कैटेगरी बनाई है। तो सीए को लेकर 144 याचिकाएं जिन पर सुनवाई की है, फिलहाल इस पर 4 हफ्ते का वक्त केंद्र सरकार को दिया गया है। आज 4 वीक्स का लिए हैं और गवर्नमेंट को बोल रहा है, गवर्नमेंट आज तक रिप्लाई नहीं दिया और एप्लीकेशन भी 144 हो गया है। सो तो वो भी बोल रहा है इसके बाद कोई एप्लीकेशन नहीं लेगा। ठीक है, आज द मैटर इज सो सीरियस द 144 सारा इंडिया में, तो इसका इंडिकेशन क्या हो रहा है, दैट मीन मैटर इज वेरी वेरी सीरियस। कोर्ट ने, हमने इंटरिम स्टे नहीं मांगा था, कोई भी किस्म का आज हमने स्टे नहीं मांगा था। हमने ये कहा था कि आप हमारी इस स्टे की एप्लीकेशन, इसके ऊपर एक डेट फिक्स कर दीजिए जिसके ऊपर एक प्रॉपर सुनवाई हो सके, उसको कोर्ट ने अग्री कर लिया। और कोर्ट ने इस सजेशन को भी माना कि 5 जजेस बेंच इस मामले को सुने और हो सकता है उसके ऊपर भी वो ऑर्डर पास करें कि 5 जजेस बेंच को मैटर रेफर कर दें। और 4 हफ्ते का टाइम दिया है यूनियन ऑफ इंडिया को रिप्लाई करने के लिए सारी एप्लीकेशंस के, सारी पिटिशंस के ऊपर उन्होंने नोटिस जारी किया है। आज करीब 148 पिटिशंस लिस्टेड थी। सारी पिटिशन में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यूनियन ऑफ इंडिया को डायरेक्शन दिया है कि अपना काउंटर एफिडेविट विद इन 4 वीक्स 4 हफ्ते के अंदर फाइल करें, और 5वें हफ्ते में जो हमारे इंटरिम प्रेयर्स थी, इंटरिम स्टे की बात करें तो उस पर आर्ग्यूमेंट शुरू होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की भी इंडिकेशन दी है कि शायद इस मैटर को कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, 5 जजेस बेंच को भी रेफर किया जा सकता है। तो ये एक बहुत खुशी की खबर है हम सबके लिए, अब सारे देशवासियों के लिए, कि जो नागरिकता छीनने का कानून ये आया है, ये अब सुप्रीम कोर्ट इस पर कॉग्निजेंस ले चुका है और हमको लगता है कि इस पर बहुत जल्द कुछ अच्छा फैसला आएगा।